हेलो, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तरुण योगी नर्सिंग क्लासेस में। आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पैनक्रियास। पैनक्रियास, ठीक है, इसे ही हम अग्नाशय ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, पैनक्रियास ग्लैंड या अग्नाशय ग्रंथि। तो क्या होती है पैनक्रियास, देखिए। ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि पत्ती जैसी संरचना। ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका जो हेड है, ये हेड पोर्शन, सॉरी, ये वाला टेल पोर्शन, ठीक है, कि इसकी बॉडी और ये इसका हेड। हेड कौन सा? ये वाला इसका हेड। ठीक है, तीन पोर्शन में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये होती है पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। इसी में आके खुलती है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, इसके अंदर आगे खुलेगी कॉमन बाइल डक्ट। ये कहाँ आके खुलती है? ये खुलती है ड्यूडेनम, ये वाला जो सी शेप है, सी शेप जो हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है, यहाँ के खुलते हैं। ठीक है, इसके अंदर छोटी छोटी ये होती है एसिनाप सेल, इन्हें हम बोलते हैं एसिनाप सेल। ठीक है, और ये कुछ गुच्छे प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल के गुच्छे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं आइसलेट्स, आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। ठीक है, ये संरचना होती है पैनक्रियाटिक डक्ट की। इसमें छोटी 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 पैनक्रियाटिक असेसरी डक्ट्स पाई जाती हैं, जो कि सिक्रेशन में मदद करती है। ठीक है, क्योंकि तो सेल से जो सिक्रेशन निकलेगा वो ही पैनक्रियाटिक डक्ट में छोटी छोटी जो ट्यूब्यूल्स हैं ये डालने का काम करेगी। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक ग्लैंड कैसी होती है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका 99% हिस्सा, जो इसका 99% भाग है, वो एक्सोक्राइन होता है। ठीक है, और ये एक्सोक्राइन हिस्सा ये एसिनार सेल सिक्रेट करती है। ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक ओरिजिन का होता है। ठीक है, ये क्या काम करेगी? एक्सोक्राइन सिक्रेशन सिक्रेट करेगी, जो कि गैस्ट्रिक ओरिजिन को होगा। ठीक है, जो कि आपके खाने को पचाने में मदद करेगा। ठीक है, पैनक्रियाटिक जूस बना ले। ठीक है, जो कहाँ जाएगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले भाग में। ठीक है, और इसका 1% हिस्सा, 1% हिस्सा ये होगा आपका एंडोक्राइन। और ये कौन बनाएंगे? ये बनाएंगे आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस। ठीक है, इस आइसलेट्स ऑफ लैंगर हैंस में चार प्रकार की सेल होती है। अल्फा सेल,
बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पी सेल, या इसे ही हम एफ सेल भी कहते हैं। ठीक है, अल्फा सेल को हम कहते हैं ए सेल, ठीक है, बी सेल को हम कहते हैं, या बीटा सेल को हम कहते हैं बी सेल, और डेल्टा सेल को हम बोलते हैं डी सेल। ठीक है, चार प्रकार की जो सेल होती है वो पाई जाती है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में। जो ए सेल होती है, इसके दो भाग होते हैं, ठीक है, एक ए एंड एक बी। ठीक है, जो ये ए सेल है ये करती है गैस्ट्रीन हार्मोन का निर्माण, ये करेगी गैस्ट्रीन हार्मोन का निर्माण। और जो बी सेल होगी, ठीक है, ये बी सेल किसकी है, ये ए सेल की ही बी सेल, ठीक है, ना कि ये बीटा सेल, ठीक है, तो ये बी सेल करेगी आपकी ग्लूकागोन का निर्माण, ग्लूकागोन का निर्माण। ठीक है, अब बीटा सेल या बी सेल ये करेगी आपके इंसुलिन का निर्माण। ठीक है, अल्फा सेल, सॉरी अल्फा क्या, डेल्टा सेल या डी सेल ये आपके करेगी सोमेटो स्टेटिन का निर्माण, सोमेटो स्टेटिन का निर्माण। और पी सेल, इसे हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ये सेल आपको समझ में आई, जो हमारे मेन काम की रहेगी वो रहेगी अल्फा सेल एंड बीटा सेल। दोनों से क्वेश्चन आता है कि अल्फा सेल कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, ग्लूकागन। बीटा सेल कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है, इंसुलिन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके फंक्शन। ठीक है, अगर अगर ग्लूकागोन या अल्फा सेल काम करेगी तो वो क्या काम करेगी, ठीक है, क्या फंक्शन करेगी, तो हम पहला फंक्शन देखेंगे इसका ऑन प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन का ये करवाएगी ब्रेकडाउन, यानी कि ग्लूकागोन क्या करेगा, ये करेगा प्रोटीन का ब्रेकडाउन, और जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो बनेगा अमाइनो एसिड। तो ये अमाइनो एसिड का लेवल बॉडी में बढ़ाता है। दूसरा ऑन फैट, ठीक है, अगर ग्लूकागोन फैट पे काम करेगा तो ये करेगा फैट ब्रेकडाउन, और फैट जब टूटेगा तो बनेंगे फैटी एसिड, फैटी एसिड। ठीक है, नेक्स्ट ऑन ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकागोन क्या करेगा, ये जीआईटी से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से क्या करेगा, ग्लूकोज एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और उसका लेवल ब्लड में बढ़ा देगा, ठीक है, ब्लड के अंदर बढ़ा देगा। इसके अलावा ये क्या करेगा, ये करेगा ग्लूको नियोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि नया ग्लूकोज बनाएगा, नया ग्लूकोज बनाएगा नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से। ठीक है, और क्या करेगा, ये करेगा ग्लाइको जीनोलाइसिस, ठीक है, यानी कि ग्लाइकोजन को लाइसिस यानी तुड़वाएगा। ठीक है, ये ग्लाइकोजन को तुड़वाने का काम करेगा। इतना समझ में आया। एक क्वेश्चन जो शायद मैंने पिछली क्लास में डिस्कस नहीं किया था वो था वीएन। वीए में होता है कंफर्मेटिव साइन, किसका होता है कंफर्मेटिव साइन, साइन क्या है, इसको टेस्ट बोले तो, ये किसका टेस्ट कंफर्मेटिव होता है, ये होता है फियोक्रोमोसाइटोमा का, फियोक्रोमोसाइटोमा का, जो कि एड्रेनल मेडुला का कैंसर था। वीए में क्या होता है,
ये होता है वेनिल, मैंडेलिक एसिड, ठीक है, वेनिल मैंडेलिक एसिड, ये जब कैटेकोलामाइन, कैटेकोलामाइन हार्मोन टूटते हैं तब ये बनता है, ठीक है। अगर इसका लेवल 14 से कम है तब ये नॉर्मल है। अगर इसका लेवल 40 से ज़्यादा जाता है तो ये खतरा करता है, ठीक है। तो ये बताता है कि आपके जो एड्रिनल हार्मोन है वो टूट रहा है, कैटेकोलामाइंस टूट रहे हैं, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं हमारा मेन इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन उसके क्या फंक्शन होते हैं, क्योंकि हमें अगर फंक्शन पता होगा तभी हम उससे रिलेटेड डिजीज पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज मिलाइटस, डायबिटीज मिलाइटस, ठीक है। सेकंड हमारा रहेगा इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन की स्ट्रक्चर ये बनी होती है 51 अमाइनो एसिड, 51 अमाइनो एसिड मिलके एक इंसुलिन चैन का निर्माण करते हैं। इसके अंदर एक होती है ए चैन, एक होती है बी चैन, जिसे हम अल्फा एंड बीटा चैन भी कहते हैं, ठीक है। ए चैन ये बनी होती है 21 अमाइनो एसिड से, और जो बी चैन होती है ये बनी होती है 30 अमाइनो एसिड, ठीक है। और एक होता है प्रो इंसुलिन, यानी कि ये अपरिपक्व इंसुलिन है। इसके अंदर एक सी चैन भी पाई जाती है, जिसे हम सी पेप्टाइड चैन कहते हैं। ये ए एंड बी चैन को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। ये किस में पाई जाती है, ओनली प्रो इंसुलिन के अंदर पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बनता है प्रो इंसुलिन के अंदर कौन सी चैन पाई जाती है, ये पाई जाती है सी चैन, ठीक है। इतना क्लियर है। अब इसका फंक्शन, इंसुलिन क्या काम करेगा, पहले प्रोटीन पे, तो इंसुलिन प्रोटीन का करवाता है सिंथेसिस, ये करवाएगा प्रोटीन सिंथेसिस निर्माण, ठीक है। तो इसलिए ये ग्रोथ में हेल्पफुल रहता है, तो बच्चों की जो ग्रोथ होती है वो अच्छी होगी अगर इंसुलिन अच्छा है तो। सेकंड फैट पे, यानी कि ये फैट पे क्या काम करेगा, तो ये करेगा फैट का सिंथेसिस, और फैट का सिंथेसिस होने थोड़ा सा मोटा यानी कि वजन ये बढ़ाने में मदद करता है। थर्ड ये ग्लूकोज पे क्या काम करेगा, ये ग्लूकोज, ये ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल करता है कम, ठीक है। ब्लड में से ग्लूकोज उठाता है और उसको कहाँ भेज देता है, ये भेज देता है सेल में, ठीक है। इसलिए ये ग्लूकोज की एंट्री करवाता है, किसके अंदर करवाता है, सेल में, ठीक है। साथ में एक चीज और भी देख लें, ये पोटेशियम पे क्या काम करता है, तो ये पोटेशियम उठाता है और उठा के सेल के अंदर पहुंचा देता है, तो हाइपोकैलेमिया कोज करता है अगर ये ज्यादा मात्रा में सीक्रेट हो, ठीक है, और कम होगा तो ये हाइपरकैलेमिया कोज कर देगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे बीमारी, जो कि जिसे हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह रोग, ठीक है। तो डायबिटीज क्या होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या हम उसका इलाज कर सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे। डायबिटीज जिसे हम बोलते हैं मधुमेह, मधुमेह यानी मीठा मीठा रोग, मीठा मीठा रोग क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी को खा जाता है, ठीक है, सभी ऑर्गन को खा जाता है, ठीक है। तो डायबिटीज क्या होता है, इसके अंदर
इसके अंदर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये नॉर्मल से अधिक देखने को मिलता है, नॉर्मल से अधिक देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन बनता है कि नॉर्मल बीजल कितना होता है, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना होता है। तो ये होता है 70 से 110 mg/dL। ठीक है, वहीं हम बात करें कि हम डायबिटीज कब कह देंगे, इसको मधुमेह रोग हो गया है, जब ये 200 से ऊपर जाता है, 200 से ऊपर जाता है तब हम इसे डायबिटीज कंसिडर करते हैं, आफ्टर GTT, आफ्टर GTT 200 के ऊपर। ठीक, नॉर्मल नॉर्मल जो पोस्ट पेरेंडियल यानी कि खाना खाने के बाद जो ब्लड ग्लूकोज लेवल वो रहना चाहिए, वो रहना चाहिए 140 mg/dL से कम, 140 से कम। ठीक है, अगर 140 से ज्यादा आ रहा है नॉर्मल परिस्थितियों में तो ये कर देता है डायबिटीज, तो हम इसे कह देते हैं डायबिटीज। ठीक है, यानी 140 से ऊपर अगर जा रहा है ब्लड ग्लूकोज तो वो डायबिटीज का शिकार हो सकता है। इसके अंदर भी प्रो डायबिटीज, ठीक है, यानी कि जो डायबिटीज होने से पहले होती है। ठीक है, तो अलग अलग लेवल होते हैं, वो हम देखे हैं, आगे भी हम देखेंगे। अब हम आगे बात करें कि कारण क्या हो सकता है डायबिटीज का, डायबिटीज का कारण क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक तो इसका होता है पहला, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस, दूसरा होता है सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या फर्क है। ठीक है, जो प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस होगा ये होगा ड्यू टू पेनक्रियाज प्रॉब्लम। अगर पेनक्रियाज की प्रॉब्लम हो गई है कोई, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर डायबिटीज होता है तो हम उसे बोलते हैं प्राइमरी डायबिटीज मेलाइटस। अगर ये होता है ड्यू टू अदर कॉजेस जो कि पेनक्रियाजिस कोज नहीं है तो हम उसे कहेंगे सेकेंडरी डीएम, सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, कुछ कॉमन कोज की बात करें, कॉमन कोज की बात करें वो हो सकता है एज, जैसे 40 साल से ज्यादा कोई है तो उसमें चांस रहता है। ठीक है, किसी को पेनक्रियाटिस हुआ है, पेनक्रियाटाइटिस हुआ है उसको भी बहुत ज्यादा चांस है। अगर किसी को कंजेनाइटल कंजेनाइटल पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है तो भी उसको चांस है। अगर किसी के जेनेटिक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, उस कंडीशन में भी डायबिटीज होने के चांस रहते हैं। ठीक है, और हम क्या कारण देख सकते हैं, किसी को कशिंग सिंड्रोम है उसको भी डायबिटीज होने के चांस रहते हैं। अगर किसी को रेडिएशन एक्सपोजर हुआ है तो उसको भी डायबिटीज होने के चांस रहते हैं। अगर किसी को ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा है तो उसमें भी डायबिटीज होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन कॉजेज हैं जिनकी वजह से डायबिटीज होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, जेनेटिक प्रॉब्लम यानी कि हेरिडिटरी कॉज। ठीक है, अब हम देखते हैं डायबिटीज कितने प्रकार की हो सकती है, डायबिटीज कितने प्रकार की हो सकती है। टाइप ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज के क्या प्रकार हो सकते हैं। पहला जो टाइप रहेगा उसे हम बोलते हैं IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, क्या होता है ये केवल 10% लोगों को होता है। जो 10% लोग होते हैं उन्हीं के अंदर IDDM
इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस देखा जाता है। इसमें क्या होता है, जब जब कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी कंजेनाइटल पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम है, ठीक है, पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से उसकी बीटा सेल, जो बीटा सेल होती है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में, तो वो डैमेज हो जाती है या वो नहीं बनी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंसुलिन इंसुलिन नहीं बन पाएगा, और इंसुलिन नहीं बनेगा तो वो डायबिटीज कोच कर देगा, ठीक है, इंसुलिन नहीं बनेगा तो डायबिटीज कोच कर देगा। तो हमने क्या देखा कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में इंसुलिन एब्सेंट रहता है, और कौन सा, इसे हम बोलते हैं एंडोजीनस इंसुलिन, एंडोजीनस इंसुलिन एब्सेंट होता है। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो हमें बाहर से इंसुलिन की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम बाहर से इंसुलिन लेंगे और उसे हम बोलेंगे एक्सोजीनस इंसुलिन, ठीक है। तो क्या हुआ आईडीडीएम में, आईडीडीएम का मतलब है ये इंसुलिन के ऊपर डिपेंड है, बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बनता है और हमें बाहर से इंसुलिन लेने की आवश्यकता होती है, तो उसे हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। सेकंड, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, एनआईडीडीएम, ठीक है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसके अंदर क्या होता है, जो इंसुलिन इंसुलिन रिसेप्टर है वो इनसेंसिटिव हो जाता है, इनसेंसिटिव हो जाते हैं, यानी कि वो सेंसिटिव नहीं रहते, और इनसेंसिटिव होने के बाद इंसुलिन इंसुलिन बाइंड नहीं हो पाता, ठीक है, और इंसुलिन बाइंड नहीं होगा तो जो ब्लड ग्लूकोज है, जो ब्लड ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जाएगी, और सेल के अंदर नहीं जाएगी तो क्या होगा, एटीपी जनरेट नहीं होगी, और एटीपी जनरेट नहीं होगी तो उसको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, उसको थकान रहेगी, ठीक है। इतना समझ में आया, तो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन तो प्रेजेंट होता है, लेकिन हो क्या जाता है, जो बॉडी के जो रिसेप्टर होते हैं, जो इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं सेल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं, और वो अगर इनसेंसिटिव होते हैं तो उसके बाद में इंसुलिन होना या ना होना कोई मतलब नहीं रखता, फिर वो उसके ऊपर अटैच ही नहीं हो पाएगा। ये लगभग भी तो 90% लोगों को होती है, और कब होती है, 40 साल के बाद में, 40 साल के बाद में बहुत कॉमन देखी जाती है। तो आपको टाइप समझ में आए, ठीक है। एक ही सेम मैं आपको बता दूं, जुवेनाइल 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 डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है, इसके अंदर प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होती है ये एक हार्मोन सिक्रेट करती है जिसे हम बोलते हैं एचपीएल, इसे बोलते हैं ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। ये क्या करता है, अगर ये ज्यादा सिक्रेट हो जाए, ज्यादा मात्रा में सिक्रेट हो जाए, तो ये इंसुलिन रिसेप्टर को इनसेंसिटिव कर देता है, और इंसुलिन रिसेप्टर इनसेंसिटिव होंगे तो इंसुलिन नहीं जुड़ेगा, इंसुलिन नहीं जुड़ेगा, और इंसुलिन नहीं जुड़ेगा तो आपकी हो जाएगी डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। ये समझ में आया, सिंपल है। ऐसी जो डायबिटीज मेलाइटस वाली माँ के जो बच्चे होते हैं उनका भी साइज बड़ा देखा जाता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं जैसे ही वो बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं तो माँ का जो ग्लूकोज लेवल होता है वो बच्चे को नहीं मिलता, और बच्चे में सडन हाइपोग्लाइसीमिया होता है, लेकिन उस हाइपोग्लाइसीमिया होने की वजह से वो इंसुलिन का अमाउंट और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, और इंसुलिन का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो बच्चे के अंदर मैक्रोसोमिया कोज कर देगा, ठीक है।
वो आपके ओबीजी का चैप्टर है। आगे हम देखते हैं, हमने इसके टाइप पढ़ लिए, हमने इसके कोच पढ़ लिए, अब हम इसके देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोसिस से पहले आप साइन सिम्टम्स देखिए, क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं। तो इसका क्लासिकल जो ट्राइड देखा जाता है, क्लासिकल ट्राइड जो इसका देखा जाएगा वो क्या देखा जाएगा, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीडिप्सिया एंड क्या देखा जाएगा, पोलीफेजिया। ठीक है, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया एंड पोलीयूरिया, यानी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा यूरिन पास होगा, कितना 2000 ml पर डे से ज्यादा। अगर ये 20 लीटर बताता मैं तो ये हो जाता किसके अंदर, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर। ठीक है, 2000 ml से ज्यादा, और जितना यूरिन पास होगा उतनी ज्यादा थ्रस्ट यानी कि प्यास लगेगी, तो उसकी थ्रस्ट इंक्रीज देखने को मिलेगी। और क्या एटीपी उसकी बॉडी को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सेल को ग्लूकोज नहीं गया, तो सेल को ग्लूकोज नहीं जाने की वजह से क्या होगा, उसको भूख का एहसास होगा, बार बार उसको भूख लगेगी। ठीक है, ये है इसका क्लासिकल ट्रायड। और क्या इसके अंदर साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, अगर उस इंसान को डायबिटीज मेलाइटस हुआ है तो उसको देखने को मिलेगा ग्लाइकोज यूरिया, यानी कि उसके यूरिन के अंदर ग्लूकोज देखा जाएगा। ठीक है, और यूरिन के अंदर ग्लूकोज क्यों देखा जाएगा, क्योंकि किडनी की एक थ्रीसोल्ड होती है, किडनी की थ्रीसोल्ड होती है, थ्रीसोल्ड वैल्यू बोलते हैं किडनी, जो कि होती है 180 mg/dL। ठीक है, अगर इससे ज्यादा अगर ग्लूकोज किडनी के पास आता है तो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है, वो उसको भगा देती है। ठीक है, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देगी। इसी से एक मुझे क्वेश्चन याद आया, क्या डायबिटीज वाले पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। एक क्वेश्चन सेम, क्या पैनक्रियाटिस वाले पेशेंट को पेप्टिक अल्सर हो सकता है, बताओ। दोनों ही कंडीशन में पॉसिबिलिटी है, इसमें थोड़ी सी लेस है क्योंकि इसमें बीटा सेल ही डैमेज हो रही है, और इसमें ज्यादा है क्योंकि इसमें बीटा एंड अल्फा सेल दोनों डैमेज हो रही है। ठीक है, और अगर अगर ये पेप्टिक अल्सर कोज करता है तो उसे हम बोलते हैं जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ठीक है, उसे हम बोलेंगे जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, क्या पेनक्रियाटिस की वजह से क्या पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, और हम क्या साइन सिम्टम्स देखेंगे, उसके अंदर देखने को मिलेगा एसीटोन ब्रीथ। ये क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लूकोज सेल को नहीं मिल पा रहा, तो सेल क्या करेगी, फैट का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेगी। ठीक है, और फैट का मेटाबॉलिज्म होता है जब बनती है कीटोन बॉडीज। ठीक है, और कीटोन बॉडीज बनेगी तो कैसी स्मेल आएगी, उसे हम बोलते हैं एसीटोन ब्रीथ या फ्रूट लाइक ब्रीथ देखने को मिलोगे। और क्या देखने को मिल सकता है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। एसिडोसिस क्यों, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर कीटोन बॉडीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है इसलिए, और इसे हम कॉम्प्लिकेशन में भी पढ़ते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट का। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस टाइप फर्स्ट का।
और क्या देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा कॉस्मोल रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? गहरी और जल्दी जल्दी सांस लेगा, गहरी और जल्दी जल्दी, यानी डीप एंड रैपिड रेस्पिरेशन। रैपिड रेस्पिरेशन यानी कि गहरी सांस लेगा और जल्दी जल्दी सांस लेगा, तो उसके अंदर ये देखने को मिलेगा। और क्या देखने को मिलेगा? वेट लॉस। वेट लॉस क्यों? क्योंकि उसकी जो सेल है उसको ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा, और ग्लूकोज नहीं मिल पा रहा तो एटीपी जनरेट नहीं होगी, उसकी बॉडी को ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा। सेकंड, वेट लॉस होने का कारण रहेगा कि प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, तो उसके कारण भी वेट क्या होगा? वो लॉस होगा। और क्या? उसको थकान रहेगी। क्यों? क्योंकि एटीपी जनरेट नहीं हो पा रही है, और एटीपी जनरेट नहीं होगी तो उसको रहेगी थकान। ठीक है, तो आपको साइन सिम्टम सारे समझ में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और हमें क्या देखने को मिलेगा? मैं यहीं बता देता हूँ, आपको देखने को मिलेगा अगर ग्लूकोज बढ़ रहा है, अगर ग्लूकोज बढ़ रहा है तो ग्लूकोज लेवल बढ़ने से क्या होगा? जो ब्लड है वो गाढ़ा होगा, ब्लड गाढ़ा होगा, और क्या होगा? ब्लड गाढ़ा होगा तो कार्डियक या हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि ब्लड गाढ़ा हुआ, और ब्लड गाढ़ा होने की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो ज्यादा बढ़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा तो क्या होगा? जो जो ब्लड वेसल्स होती है वो नैरो हो जाएगी, उसके अंदर प्लाक इकट्ठा होने लग जाएगा, ब्लड सप्लाई हार्ट को कम होगी, और कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी में डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है तो पेरिफेरल पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी उसके अंदर देखी जाती है, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी उसके अंदर देखी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसको भी होती है उसको टिंगलिंग सेंसेशन, ठीक है, महसूस होते हैं। और क्या होगा? डायबिटीज वाले पेशेंट के अंदर डिलेड वुंड हीलिंग देखी जाएगी, क्योंकि इंसुलिन वुंड को हील करने में भी मदद करता है। और क्या देखने को मिलेगा? पुअर इम्यूनिटी, वो जल्दी जल्दी बीमार होगा, वो जल्दी जल्दी बीमार होगा, प्योर जो पुअर इम्यूनिटी है उसके अंदर देखी जाएगी। तो इतने सारे साइन सिम्टम्स हैं जो आपको याद करने हैं, समझ में आया आपको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि कैसे पता लगाया जाए कि उसको डायबिटीज है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ठीक है। तो पहले हम उसका कर सकते हैं OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है? उसको 6 से 8 घंटे तक भूखा रखा जाता है। उसको भूखा रहने के बाद, भूखा रहने के बाद उसको दिया जाता है 300 ml वाटर में, वाटर में 300 ml वाटर के अंदर 75 मिलीग्राम मिलीग्राम ग्लूकोज दी जाती है, ग्लूकोज दी जाती है, और हर 30 मिनट में, 30 मिनट में उसका ग्लूकोज लेवल चेक किया जाता है, ठीक है। तो हम क्या रीडिंग देख सकते हैं? हम रीडिंग देखेंगे अगर उसका फास्टिंग ग्लूकोज, यानी कि जब हमने उसको 6 से 8 घंटे भूखा रखा, उस टाइम पे अगर वो 126 mg/dL, 126 mg/dL से ज्यादा है तो उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उसको पोस्ट पैरेंडियल, जब हमने उसको ग्लूकोज पिला दिया, उसके बाद उसका 200 से ज्यादा शूटअप हो रहा है, 200 से ज्यादा शूट अप हो रहा है, तो उसको डायबिटीज होगी, ठीक है। ये समझ में आया? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये इसका कंफर्मेटिव टेस्ट भी है, कंफर्मेटिव
ओरल ग्लूकोज टेस्ट होता है, ठीक है, कंफर्मेटिव टेस्ट भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, सेकंड जो हम टेस्ट देखेंगे, ठीक है, जीटीटी के बाद पहला हमारा जीटीटी, जिसे हमने बोला कंफर्मेटिव, क्योंकि ये कंफर्म कर रहा है, ठीक है। लेकिन पुरानी जो शुगर होती है उसको कंफर्म करने के लिए उसको HbA1c ये टेस्ट किया जाता है, जिसे बोलते हैं हीमोग्लाइकोसाइलेट टेस्ट, हीमोग्लाइकोसाइलेट टेस्ट, या फिर इसको ग्लाइको ग्लाइकोसाइलेट HB टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो 90 दिनों तक, 90 दिन तक अगर आपको कभी भी डायबिटीज की प्रॉब्लम रही है तो वो आपको डिटेक्ट कर लेता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, अगर आपको 5.4 से कम कम इसकी रीडिंग आती है तो यानी कि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 5.5 से 6.4 इसकी रीडिंग आती है तो आप प्री डायबिटीज मेलिटस के शिकार हैं, आप उस स्टेट में जा रहे हैं, और अगर 6.5 से ज़्यादा, 6.5 से ज़्यादा अगर इसका रीडिंग आती है तो ये आपके कंफर्म करेगा डायबिटीज मेलिटस, कंफर्म कर देगा डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। सेम ही आपके एक सी पेप्टाइड पेप्टाइड चैन का टेस्ट भी किया जाता है, जिसे सी पेप्टाइड टेस्ट बोलते हैं। इसके अंदर आपका यूरिन सैंपल लिया जाता है, 24 आवर्स यूरिन सैंपल लेते हैं, और उस यूरिन सैंपल में सी चैन देखी जाती है कि उसके कितने मॉलिक्यूल टूट टूट के आए हैं, ठीक है। तो अगर 10 से कम है, 10 से कम है तो वो 10 से कम आपके इंडिकेट करेंगे डीएम फर्स्ट को, डीएम फर्स्ट को, क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन ही नहीं बनता, तो इंसुलिन कम बनेगा तो इस सी पेप्टाइड चेन कम रहेगी। एक अगर आपकी 60 से ज्यादा देखी जाए तो ये आपकी डायबिटीज मेलाइटस सेकेंड को कंफर्म कर देगी, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस सेकेंड को कंफर्म कर देगी। तो ये है इसके डायग्नोस्टिक इवाल्यूशन। अब हम इसका देखेंगे ट्रीटमेंट, कि क्या ट्रीटमेंट डायबिटीज के केस में हम कर सकते हैं, किसी को डायबिटीज है तो हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसको मेडिसिन दे सकते हैं, मेडिसिन में दी जाती है उसको पहली क्लास फर्स्ट सल्फोनाइल यूरिया, ठीक है, क्लास फर्स्ट सल्फोनाइल यूरिया, जिसका नाम होता है क्लोर प्रोपामाइन, क्लोर प्रोपामाइन। ये क्या काम करती है, ये इंक्रीज कर देती है, इंक्रीज क्या करती है, सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर, जो इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, ठीक है। सेकंड, जो क्लास सेकंड सल्फोनाइल यूरिया की ड्रग होगी ये क्या काम करेगी, ये इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा आपके ग्लिपिजाइड, ग्लिपिजाइड एंड मेटफॉर्मिन, जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट जो ड्रग रहेगी वो रहेगी अल्फा ग्लाइकोसाइड इनहिबिटर, इनहिबिटर अल्फा ग्लाइकोसाइड इनहिबिटर, ये क्या करेगी, ये करेगी जो ग्लूकोज अपटेक है, ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, और इसको रीअब्जॉर्प्शन ना बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन बोलेंगे, कहाँ से हो रहा है, जो जीआईटी है उसे ये कम करेगी, कम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी, इंसुलिन थेरेपी भी उसको दी जा सकती है। तो इंसुलिन थेरेपी में
जो गेज यूज की जाती है वो की जाती है 27 से 29 गेज की निडिल, जिसकी लेंथ होती है 0.5 इंच, 0.5 इंच। ये एडमिनिस्टर करती है इंसुलिन सबक्यूटेशनली, और ये 90 डिग्री के ऊपर एडमिनिस्टर करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कितने गेज की निडल होती है 27 से 29 गेज, क्या उसकी लेंथ होती है 0.5 इंच से 1 इंच भी बोलते हैं। ठीक है, वरना 0.5 इंच की बेस्ट होती है। कैसे जाती है सबक्यूटेनियसली और कितने डिग्री में जाती है 90 डिग्री। एक पूछा जाता है बेस्ट साइट, बेस्ट साइट, बेस्ट अब्जॉर्प्शन की साइट कौन सी होती है, वो होती है अब्डोमन, अब्डोमन यानी पेट। उसके अलावा अपर आर्म थाई वगैरह में देते हैं, वो इतना कॉमन नहीं है। एक इसका पूछा जाता है साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट, तो इसका साइड इफेक्ट क्या आता है, वो आता है लिपो डिस्ट्रोफी, लिपो डिस्ट्रोफी। और इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं क्या, इंसुलिन साइट। और रोटेट भी नहीं करें तो जो 1 इंच का गैप है वो पहले और दूसरे इंसुलिन के बीच में मेंटेन करना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है, और रही बात टाइप ऑफ इंसुलिन या फिर उसका एक्शन क्या क्या होता है, इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो पहले ही डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आप हल्का सा जानना चाहते हैं तो इंसुलिन मैं बता दूं, इंसुलिन का टाइप पहला हम उसको देख सकते हैं शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, जिसमें हम ह्यूमलॉग, ह्यूमलॉग एंड नोलॉग यूज करते हैं। ठीक है, ह्यूमलॉग एंड नोलॉग, लिस्प्रो एंड एस्पार्ट, ये हम यूज करते हैं। कितनी देर इनका एक्शन रहता है, इनका एक्शन रहता है बहुत ही छोटा। ठीक है, कितना, 4 से 6 घंटे तक, 4 से 6 घंटे तक इनका एक्शन रहता है। सेकंड, रेगुलर, रेगुलर इंसुलिन। ठीक है, रेगुलर इंसुलिन ये क्या काम करेगा, ये कब तक एक्ट करेगा, ये करेगा आपके 6 से 8 घंटे तक, 6 से 8 घंटे तक। ठीक है, कुछ कुछ शॉर्ट एक्टिंग को 2 से 4 घंटे तक भी मानते हैं, वो भी सही है, 4 से 6 घंटे तक काम करता है, और ये काम करेगा 6 से 8 घंटे तक। ठीक है, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट जिसे एनपीएच भी बोलते हैं, न्यूट्रल प्रोटामाइन हैवेड्रोल, ये आपके 12 से 16 घंटे तक काम करता है। और लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग आपका होता है ग्लार्जिन, ग्लार्जिन जो कितने घंटे, अप टू 24 घंटे, 24 घंटे या 18 से 24 घंटे तक काम करता है। ठीक है, ये इंसुलिन थेरेपी होती है। अब हम डाइट देखें, डाइट, तो डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को लो कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज कम प्लस लो फैट डाइट दी जाती है, लो फैट डाइट दी जाती है, साथ के साथ में उसको लो पोटेशियम, लो पोटेशियम डाइट भी दी जाती है। ठीक है, और क्या, हाई फाइबर, हाई फाइबर उसको कॉन्स्टिपेशन होने से भी रोकेगा। ठीक है, एंड उसका सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क को भी कम कर देगा। ठीक है, इसलिए बात करें हम कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज में देखी जाएगी, डायबिटीज में देखी जाएगी कीटो एसिडोसिस, कीटो एसिडोसिस। और हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें, ये डायबिटीज फर्स्ट का कॉम्प्लिकेशन होता है, डायबिटीज सेकंड के कॉम्प्लिकेशन की हम बात करें तो उसके अंदर आपको दो फिनोमिना देखने को मिलेंगे, डाउन फिनोमिना, ठीक है,
इसके अंदर क्या होगा? सुबह सुबह, अर्ली या प्री ब्रेकफास्ट? प्री ब्रेकफास्ट जो शुगर है हाई देखने को मिलेगा, शुगर लेवल हाई देखने को मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं? शुगर लेवल हाई देखने को मिलेगा तो डोज इसकी बढ़ा देते हैं, डोज इसकी दे हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। सेकंड फिनोमेनन देखने को मिलेगा मिडनाइट, मिडनाइट हाइपरग्लाइसिया, मिडनाइट हाइपरग्लाइसिया, ठीक है, क्योंकि पूरी रात इंसुलिन का असर रहेगा, इंसुलिन का असर रहेगा, लेकिन जैसे 3 से 4 बजेंगे, 3 से 4 बजेंगे उस टाइम पे इंसुलिन का असर कम होगा, कम होगा, और कम होगा तो उसके बाद हाइपर ग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल से आपका डायबिटीज मेलाइटस था, छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ में आएगी, छोटा सिंपल मैंने पढ़ाया था कि आपको याद हो सके। और इसी के साथ हमारा एंडोक्राइन सिस्टम खत्म होता है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच मुझे सुन